पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखा दें जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। विवाहिता को जान से मारने की कोशिश। नागपुर शहर में एक लड़की के शादी के दूसरे दिन से ही विवाहिता को ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। किसी तरह मामला शांत हुआ, लेकिन ससुराल वालों का लालच कम नहीं हो रहा था। तंग आकर पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की। इमामवाड़ा पुलिस ने सोनम कुबड़े 25 वर्ष की शिकायत पर उसके पति राहुल कुबड़े 28 वर्ष, ससुर अरुण कुबड़े 60 वर्ष, सास चंदाबाई कुबड़े 52 वर्ष, ननद सोनाली मंगेश बोंद्रे 28 वर्ष और रिश्तेदार अजय गिरटकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राहुल प्राइवेट जॉब करता था। 13 जून 2017 को सोनम और राहुल का विवाह हुआ। शादी के दूसरे दिन ही राहुल और उसके परिवार वालों ने सोनम को कम दहेज देने के लिए बुरा भला कहा। यहां तक कि गला घोटकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। सोनम ने अपने परिजनों को इस बारे में बताया। दोनों परिवारों के बीच बैठक हुई। इसके बाद भी समय समय पर सोनम को मायके से पैसे लाने के लिए मजबूर किया जाता था। अपनी हैसियत के अनुसार उसके परिजन पैसे की मांग पूरी करते रहे। इसी बीच उन्हें एक बेटा भी हो गया। ससुराल वाले बच्चे को देखने तक नहीं आते थे। सोनम ने मायके में रहकर अपने बच्चे की देखभाल की। कुछ महीने पहले वो ससुराल लौटी। इसके बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुई। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके सारे गहने भी ससुराल वालों ने बहला फुसला कर रख लिए। आखिरकार तंग होकर 28 जून को सोनम ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस सोनम का बयान दर्ज कर राहुल और उसके परिवार वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का प्रयास सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।